कोरोना महामारी में मिलन, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते रहते और वो पूछते हैं कि क्या हमने ये कोरोना महामारी में सेक्स करना चाहिए, पति पत्नी ने सेक्स करना चाहिए, फ्रेंड के साथ में सेक्स करना चाहिए, सेक्स वर्कर के साथ में सेक्स करना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे सवाल लोगों के आते रहते हैं। आपको ये पता है कि कोरोना के लक्षण कुछ लोगों को होते हैं और फिर तो उनके साथ में सेक्स करने का सवाल आता ही नहीं है। और कोरोना के लक्षण मतलब खांसी है, बुखार है, जुखाम है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये एक्टिव कोरोना के लक्षण है। और ये लक्षण दिखते हैं, टेस्ट करने बाद में जाएंगे, मगर उसके साथ में संबंध बिल्कुल करना नहीं चाहिए। उसको आइसोलेट करना चाहिए, क्वारंटाइन करना चाहिए और उसके साथ में सभी संबंध तोड़ना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए संबंध, एकदम बाजू में आइसोलेशन में रखना चाहिए। तो उसके साथ में संबंध मतलब वैसे भी फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, वैसे भी उसको दूर रखना है, सेक्स तो बहुत दूर की बात हो गई, सेक्स करने का सवाल ही नहीं आता। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब वो कैरियर है, उसको कोई कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है, आपका हस्बैंड या आपकी पत्नी कोरोना के रुग्ण के संपर्क में आए हैं जिसको कोरोना डायग्नोज है और इनका रेजिस्टेंस अच्छा है, प्रतिकार शक्ति अच्छी है, इसलिए उनको कोरोना के कोई लक्षण दिख नहीं रहे, मगर दे आर कैरियर्स, और इनके साथ में आपके फिजिकल रिलेशनशिप आते हैं, शारीरिक संबंध आते हैं, शरीर से आप नज़दीक आते हो, सेक्स करते हो, तो उसमें डेफिनेटली दूसरे व्यक्ति की प्रतिकार शक्ति यदि कम है तो उसको कोरोना हो जाएगा। मतलब पति का समझो प्रतिकार शक्ति पति की अच्छी है तो उसको शायद कोरोना के लक्षण दिखेंगे नहीं, मालूम ही नहीं पड़ेगा उसको कोरोना है, मगर वो सेक्स करता है और पत्नी की प्रतिकार शक्ति कम है तो वो डेफिनेटली उसको पत्नी को कोरोना हो सकता है, और एक बार पत्नी को कोरोना हो गया तो फिर बाद में पति को हो सकता है और डायग्नोस हो सकता है, मतलब उसको लक्षण दिखना चालू हो जाएगा। तो ये देखना है कि आपके घर पे कोई भी व्यक्ति किसके संपर्क में आ रहा है, किसके साथ में संबंध उनका आ रहा है, और कुछ भी लक्षण थोड़ा भी है, थोड़ा सा बुखार है, बुखार जैसा लगता है या थकान है, ऐसा कुछ भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत आइसोलेट करना जरूरी है। अभी ये तो हो गया कि जो व्यक्ति आपको नोन है, जानकार है, उसके साथ में सेक्स, ठीक है ना, क्लियर करे तो करने नहीं चाहिए। तो फिर जो अनजान व्यक्ति है जिसको आप पहचानते भी नहीं, उसके साथ में सेक्स कैसे क्या करोगे? तो सेक्स वर्कर के साथ में सेक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कुछ भी प्रिकॉशन लेके करना नहीं चाहिए। आपको मालूम नहीं है कि उसको करोना है नहीं है, कैरियर है नहीं है, आपके दोस्त है, फ्रेंडशिप में है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पता नहीं है आपको, सेक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये अभी कोरोना महामारी का जो अभी जो टाइम चल रहा है इसमें सेक्स जितना टाल सकेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि सामने वाला पार्टनर कितना ग्रसित है, प्रभावित है कोरोना से, वो कैरियर है कि नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।